Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the ninth part of our third chapter, Types of Software. Well, in this chapter we have learned about all the basic terms and definitions. And today in this video we will do a quick revision of this term, application software and its types. And then we have to discuss some important terms and some important definitions. Now, let's begin. Well, first of all we have to revise what is application software. In general, application softwares are the programs that can be used by individuals or group of users for their day-to-day needs. Well, these have some specific uses. It means jitne bhi application programs hote hain, inka ek specific use hota hai. Aur ye day-to-day use ke liye use hote hain. Fine, ye hote hain day-to-day use ke liye kisi bhi general public ya user ke through. Fine. Then next most important thing. These application softwares are generally meant for user only. ये बने होते हैं सिर्फ और सिर्फ user के लिए. It means they will perform any specific task. They will perform any specific task for user. ये user के लिए कोई काम करते हैं. For example, right now I'm using this PowerPoint for showing this presentation. अभी जो मेरा PowerPoint यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा है, it is a type of application software. जो PowerPoint ये क्या है भाई, एक application software है. Well, over that I'm using this writing application, तो ये भी क्या एक तरीके की application software है. बिकॉज ये क्या कर रहा है, मैं इन सारी चीज़ों को ऑपरेट कर पा रहा हूँ अपने खुद के यूज़ के लिए. वेयर एज इफ़ वी हैव एनी टाइप ऑफ एंटीवायरस और एनी अदर सॉफ्टवेयर ना कंप्यूटर जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को स्मूथ करता है या मेंटेन करता है, दैट इज टर्म्ड एज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर. फाइन, अब ये जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं बिकॉज ये यूज़र के लिए वर्क करते हैं, दैट्स वाई दीज आर टर्म्ड एज एंड यूज़र. वेल, कंप्यूटर के लिए एंड यूज़र होता है वो इंडिविजुअल जो यूज़र जो कंप्यूटर को यूज़ करता है. फाइन, इट मीन्स एंड यूज़र का दूसरा मतलब होता है यूज़र या फिर कंप्यूटर का ओनर जो कंप्यूटर को यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में. फाइन, दैट्स व्हाई दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर आल्सो टर्म्ड एज एंड यूज़र प्रोग्राम्स. वेल, इन दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट वी कैन यूज इन आर डे टू डे यूज, दैट इज डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट, एनी पेंटिंग सॉफ्टवेयर, एनी गेम दैट वी प्ले जनरली, वेदर इट इज फ्री फायर, पबजी और एनी अदर योर फेवरेट गेम दैट यू यूज टू प्ले. फाइन, देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक पर्सनल एजुकेशनल एंड बिजनेस फंक्शन. फाइन, ये जनरली क्या करते हैं भाई, कोई भी स्पेसिफिक पर्सनल बिजनेस या फिर एजुकेशन फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. एंड ईच प्रोग्राम इज डिजाइन टू असिस्ट द यूजर विद अ पर्टिकुलर प्रोसेस. हर एक प्रोग्राम क्या करता है भाई, यूजर की नीड्स को समझता है और उस अकॉर्डिंग यूजर को वर्क करने के लिए एक प्रॉपर इंटरफेस एक लेआउट प्रोवाइड करता है. फाइन, वेल, नाउ दीज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. ये जो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनकी तीन कैटेगरीज हैं, दीज आर जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. ये जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनकी तीन कैटेगरीज हैं बेटा, इनकी तीन कैटेगरीज हैं हम लोगों की जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थ्री क्विकली. वेल, आर फर्स्ट टर्म इज जनरल पर्पस. जो हम लोग का फर्स्ट डेफिनेशन है वो है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस भी पेज में ये RW लिखा हुआ है, दैट पेज इज फॉर योर राइटिंग वर्क. फाइन, मैंने तुम लोगों को फर्स्ट पार्ट एज अ PDF प्रोवाइड करा था. ये जो हम लोगों का सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, राइटिंग पार्ट का. फाइन, जिस भी पेज में ये RW लिखा है, यू हैव टू नोट डाउन दैट वर्क. नाउ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग पैकेजेस भी कहते हैं. फाइन, दीज आर दोज सॉफ्टवेयर विच आर मेड फॉर एंड यूजर्स. ये वो सॉफ्टवेयर जो एक इंडिविजुअल यूजर या एंड यूजर के लिए बने हुए हैं, और इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल असिस्टेंस. फाइन, इट मींस क्या हुआ, किसी भी जनरल पब्लिक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हम लोगों को कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग या असिस्टमेंट की जरूरत या असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है. हम लोग इसको नॉर्मली यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोगों के फोन में कुछ एप्लीकेशन है लाइक व्हाट्सएप, देन वी हैव सम अदर एप्लीकेशन लाइक वी हैव आवर फोन्स कैमरा, देन वी हैव गेम्स इन आर मोबाइल फोन, देन वी हैव कैलकुलेटर इन आर मोबाइल फोन. ये सारी एप्लीकेशन हम लोगों को किसी ने यूज़ करना नहीं सिखाया था. हम लोग टाइम के साथ इन एप्लीकेशन से लेके खुद ही यूज टू हो जाते हैं. फाइन, इट मीन्स ऑल दीज एप्लीकेशन आर जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. वेल, कुछ मोस्ट कॉमनली यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सबके सब जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. द फर्स्ट वन इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वेल, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को ब्यूटिफाई भी कर सकते हैं, मतलब यू आर एबल टू टाइप एज वेल एज मैनेज एंड ब्यूटिफाई योर टेक्स्ट, टर्म्ड एज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक एमएस वर्ड, वर्ड पैड एंड नोट पैड. देन नेक्स्ट इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर. वेल, डेटाबेस इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन कलेक्ट आवर डेटा.
इसको हम लोग डेटा वेयर हाउस भी कहते हैं कुछ जगहों पर. वेल, डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लोग अपने डेटा को कलेक्टिवली स्टोर करते हैं. एंड द मोस्ट कॉमनली यूज एप्लीकेशन आर ओरेकल एंड माई एक्सेस, ओरेकल एंड एमएस एक्सेस. देन नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम. स्प्रेडशीट एक टैबुलर सॉफ्टवेयर है, यानी कि यहाँ पर हम लोग टेबल के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं. एंड द मोस्ट कॉमनली यूज स्प्रेडशीट प्रोग्राम आर एप्पल नंबर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. वेल, वन मोर यू विल लर्न, दैट विल बी ओपन ऑफिस ORG कैल्क. देन नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया का मतलब होता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग मल्टीमीडिया कंटेंट से डील कर सकें. इट मीन्स वी आर एबल टू प्ले ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस. फाइन, तो फॉर दैट वी हैव मीडिया प्लेयर्स, वेदर यू हैव VLC मीडिया प्लेयर और एनी अदर मीडिया प्लेयर इन योर फोन और इन योर कंप्यूटर, जिसके थ्रू हम लोग मीडिया को प्ले करते हैं, वो क्या हो जाता है, एक तरीके का मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है. एंड देन नेक्स्ट वी हैव, और लास्ट वी हैव प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को एक अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करते हैं. फाइन, सो इट वॉज ऑल अबाउट जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक पर्पज और स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर. स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल यूजर के लिए डिजाइन करे जाते हैं और इन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग चाहिए होती है. फाइन, अब जरा समझते हैं इसका यूज क्या है भाई. वेल, यू माइट हैव सीन इन सम मेडिकल स्टोर्स और इन मॉल्स, इन शॉपिंग मॉल्स और इन रिजर्वेशन काउंटर्स, इन सब जगहों पर हम लोगों के पास एक अलग तरीके का सॉफ्टवेयर होता है. फाइन, उस सॉफ्टवेयर में इंडिविजुअल्स क्या करते हैं भाई, वो हम लोगों के बिल्स जनरेट करते हैं, टिकट रिजर्वेशन को मेनटेन करते हैं. जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी ऐसी फील्ड में यूज़ हो रहे हैं, यानी कि वो किसी लैब में यूज़ हो रहे होंगे, किसी रिसर्च में यूज़ हो रहे होंगे. फाइन, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो बैंकिंग में यूज़ हो रहा होगा, या फिर जो रेलवेज यूज़ कर रही होगी, या फिर जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ यूज़ कर रही होंगी, इन सारे सॉफ्टवेयर्स को जनरल पब्लिक यूज़ नहीं करती है. दैट्स व्हाई दीज आर टर्म्ड एज स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, फर्स्ट थिंग. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए बने होते हैं, इसलिए उस फील्ड के लोगों को ये सॉफ्टवेयर सिखाना या उसको समझाना बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नया इंडिविजुअल जिसकी बैंक में जॉब लगी है, तो उस इंडिविजुअल को जो बैंक का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू अकाउंट्स को मैनेज करा जाता है, वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाया जाएगा. इट मीन्स वो पर्सन एक ट्रेंड पर्सन हो गया. फाइन, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या आता है, जितने भी हम लोगों के स्पेशल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर हैं, इनके लिए एक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है. फाइन, इसको कोई भी जनरल पर्सन यूज़ नहीं कर सकता, इसके लिए एक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है. बिकॉज वहाँ पर हम लोगों को सिखाया जाता है कि वो जो सॉफ्टवेयर बैंक के अंदर यूज़ हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर में क्या कोड्स होंगे, क्या कमांड्स होंगे और क्या अलग अलग चीज़ें होंगी. सिमिलरली, स्कूल में एक रिजल्ट क्रिएट करने का, जनरेट करने का सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के लिए कुछ अलग कमांड्स होती हैं, कुछ अलग टूल्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को वहाँ पर आती हैं. इट मीन्स ये जो सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक फील्ड में यूज़ हो रहा है, जैसे कि हम लोगों के स्कूल में रिजल्ट के लिए, बैंक में अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, देन एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग के लिए, देन होटल में सीट रिजर्वेशन के लिए या मूवी हॉल्स में सीट रिजर्वेशन के लिए, जितने भी इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है. बिकॉज इनको कुछ ट्रेंड इंडिविजुअल ही यूज़ कर सकते हैं, इनको जनरल यूज़र अपनी लाइफ में या जनरल पब्लिक अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करती है. वेल, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. कभी भी डोमिनोज जाते होगे तो तुम लोगों ने देखा होगा डोमिनोज पे काउंटर पे दे हैव अ बिलिंग मशीन. उस बिलिंग मशीन में एक डिस्प्ले होती है, वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है काउंटर के उस साइड पे, वो हम लोगों से हमारा ऑर्डर लेता है और वहाँ पर कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करता है और वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देता है. साथ ही साथ वो क्या करता है, हमें हमारे सारे डिस्काउंट्स, अगर कोई एप्लीकेबल होगा तो बताता है वो, प्लस अगर कोई ऑफर चल रहा होता है वो सारी चीज़ें बताता है. अगर हम लोगों का नेम या मोबाइल नंबर पहले से डेटाबेस में रजिस्टर्ड होता है, देन दे ऑल्सो इन्फॉर्म अस. तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो उस बंदे को ऑपरेट करना आता है. आई थिंक मुझे या तुम्हें वो सॉफ्टवेयर हो सकता है ऑपरेट करना ना आए, लेकिन बिकॉज दे आर ट्रेंड, वो ट्रेंड हैं, इसलिए उनको वो सॉफ्टवेयर इजिली ऑपरेट करना आता है. अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर जनरली आते हैं भाई, तो अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर्स, बिलिंग सॉफ्टवेयर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अकाउंट्स या पैसे या फिर मनी से हम लोग डील करते हैं. फाइन, वो सॉफ्टवेयर जिसमें बिल्स बन रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी फर्म के स्टॉक्स को, उनकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, उनके इनकम्स, अलाउंसेस, एक्सपेंसेस, इन सबको मेंटेन कर रहे हैं, इट इज टर्म्ड एज अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर. देन नेक्स्ट इज बिलिंग सॉफ्टवेयर. बिलिंग का मतलब हो गया बिल जनरेट करने वाला सॉफ्टवेयर. फाइन, वेदर इट्स योर किस्को बिल, जो हम लोगों को बिल आता है घर में इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे वो उसका सॉफ्टवेयर हो, फिर चाहे वो
किसी टिकट रिजर्वेशन विंडो पे जहाँ पे खड़े हैं हम लोग टिकट रिजर्व करने, टिकट बुक करने के लिए, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है उन लोगों के पास, या किसी होटल में या किसी शॉपिंग मॉल में जो एक बिलिंग काउंटर होता है, फाइन, वो सब के सब हो गया बिलिंग सॉफ्टवेयर्स। देन नेक्स्ट वी हैव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यूज़ होता है गोडाउन में या फिर बड़ी बड़ी शॉप्स में जहाँ पर उन लोगों को स्टॉक मेंटेन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। रिजर्वेशन का काम क्या होता है भाई? टिकट रिजर्व करना या टिकट बुक करना। वेल, अगर कभी भी तुम लोग किसी भी स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पर देखते हो वहाँ पर एक टिकट रिजर्वेशन विंडो होती है। सो इन दैट विंडो वहाँ पर एक पर्सन बैठा होता है, उसके पास एक कंप्यूटर होता है, वो एक ब्लैक कलर की विंडो पे वर्क कर रहा होता है। वहाँ पर उसको जनरली कुछ कोड्स एंड कमांड्स टाइप करने पड़ते हैं, देन ही गेट हिज सॉफ्टवेयर, फाइन। तो वो एक तरीके का स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर है जहाँ पर वो हम लोगों के टिकट्स को बुक करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव एचआर मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट का काम होता है एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना और एम्प्लॉयज़ की लीव्स काउंट करना, फाइन। तो किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्कूल में जहाँ पर बच्चों की स्कूल फीस, टीचर्स की सैलरी, टीचर्स की लीव्स, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम होगा, वो काम करा जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। देन आर नेक्स्ट इज मोबाइल एप्लीकेशंस और एप्स। वेल, ये हम लोगों का एक डेराइव्ड पार्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। ये एक न्यू चीज़ है जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं आज की डेट में, बिकॉज जैसे ही मोबाइल फ़ोन्स हम लोगों की लाइफ का एक बहुत कॉमन पार्ट बन गए थे, तब से लेकर के जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं इनको भी एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसीडर करा जाने लगा। अब मोबाइल एप्लीकेशंस को हम लोग ऐप्स भी बोलते हैं, वी हैव दिस कॉमन हैबिट ऑफ कॉलिंग इट ऐप्स, फाइन। अब ये मोबाइल ऐप्स किसी भी टाइप की हो सकती हैं, ये एंड्रॉयड के लिए हो सकती हैं, ये एप्पल वाले डिवाइसेस के लिए यानी आईओएस के लिए हो सकती हैं, या फिर ये किसी और ओएस लाइक काई ओएस या कैली ओएस या किसी भी अदर टाइप के ओएस के लिए हो सकती हैं। अब मोबाइल एप्लीकेशंस क्या होती है भाई? दीज आर डिजाइंड फॉर आर मोबाइल डिवाइसेस। ये रिमोट डिवाइसेस या मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज होते हैं, जनरली वो डिवाइसेस जिनको हम लोग कैरी कर सकते हैं अपनी पॉकेट्स में, अपने बैग्स में बहुत इजीली। इट मींस आर टैबलेट्स, आर मोबाइल फोन्स, और जिसको हम लोग ऑन द गो यूज कर सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग चलते चलते यूज कर सकते हैं, इन सारे डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं मोबाइल डिवाइसेस। वेदर इट्स योर स्मार्ट बैंड, योर मोबाइल फोन, योर टैबलेट, फाइन, ये सब की सब चीज़ें क्या बन जाती हैं भाई? एक तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल डिवाइसेस का पार्ट आती हैं, और जितनी भी एप्लीकेशन हम लोग इन डिवाइसेस में यूज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। वेल, बिकॉज इस मोबाइल में एक प्रॉब्लम होती है भाई, जनरली मोबाइल का स्क्रीन साइज लिमिटेड होता है। एक मोबाइल कभी भी लैपटॉप जितना बड़ा नहीं होता है। वेल, अगर तुम लोग कभी कोई टैबलेट भी देखोगे तो जो टैबलेट होते हैं इन जनरल, वेदर यू आर लुकिंग फॉर एनी आई टैब और समथिंग, आईपैड और समथिंग, तो जितने भी हम लोग के आईपैड्स होते हैं भाई, इनकी भी एक लिमिटेड लेंथ होती है। 11 इंच से बड़ा टैबलेट अवेलेबल नहीं होता है इन जनरल, बिकॉज 13 इंच से लेके लैपटॉप स्टार्ट हो जाते हैं फिर, फाइन। तो इट मीन्स क्या हो गया भाई, इसकी एक लिमिटेड स्क्रीन साइज होगी। क्या तुमने कभी भी एक डेस्कटॉप या मॉनिटर के साइज का टैबलेट देखा या कोई मोबाइल फोन देखा है? नहीं देखा होगा ना, बिकॉज वो फिर हम लोगों के लिए इजी टू कैरी नहीं रहेगा, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, बिकॉज देयर साइज इज स्मॉल, बिकॉज इनका साइज स्मॉल होता है इसलिए इनकी मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है। अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं तो टुडे वी हैव अ मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ 256 GB, और इन सम हाई एंड मोबाइल फोन्स वी हैव 512 GB। सॉरी, कुछ मोबाइल फोन्स में हम लोगों के पास 256 आती है, और अगर मैं बात करूं थोड़े से हाई एंड डिवाइसेस की तो वहां पे आती है 512 GB, यानी 512 GB के आसपास, यानी कि इट इज अप्रॉक्स हाफ टेराबाइट्स, फाइन। इतनी हम लोगों को मेमोरी देखने को मिलती है। ये मेमोरी वैसे एक कंप्यूटर के लिए तो बहुत है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक मोबाइल डिवाइस के लिए जहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस हम लोगों को एक साथ यूज़ करनी है, तो वहाँ पर लोड मैनेज करने के लिए ये मेमोरी ज़्यादा अच्छी कंसीडर नहीं होती है, बिकॉज ये उस सर्किट चिप का एक इंटीग्रल पार्ट है, और इस पर अगर ज़्यादा लोड पड़ा तो चिप गर्म हो जाएगी और मोबाइल फ़ोन खराब हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मोबाइल एप्लीकेशंस को वर्क करना होता है, और इन एप्लीकेशंस का फ्रेमवर्क और वर्किंग पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के कंपैरिजन में। देन आफ्टर मोबाइल एप्लीकेशंस, ये हम लोगों का एक पार्ट था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आफ्टर दैट वी हैव आर लास्ट पार्ट एज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं ये मार्केट में कहीं पर भी खरीदने पर नहीं मिलते हैं। ये तुमको किसी भी शॉप पे नहीं मिलेगा, ये तुमको किसी भी सेलर के पास नहीं मिलेगा, ये तुमको स्पेशली ऑर्डर देके बनवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मुझे अपनी एक वेबसाइट चाहिए थी भाई, तो सपोज करो मैंने किसी एक्स वाई जेड इंडिविजुअल को एक ऑर्डर दिया और उसने मेरे लिए वेबसाइट बना दी, तो ये एक तरीके का हो गया कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। और लेट से कि भाई मुझे मेरे कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं अपने कंपनी की चीज़ों को मेंटेन कर सकूँ, वहाँ पर डे टू डे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकूँ, ठीक है। तो अगर मैं अपनी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर नया बनवाना चाहता हूँ तो भाई उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का।
और लेट से आई वॉन्ट टू डेवलप समथिंग फॉर माई सेल्फ, सपोज करो मुझे अपने लैपटॉप के लिए एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है जिसमें कुछ वो फीचर्स हो जो मुझे चाहिए पर्सनली, तो भाई वो सारी चीज़ें जो मेरे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं वो जनरली हो सकता है किसी पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर में अवेलेबल फीचर्स ना हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, कभी कभी अपनी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को क्रिएट करवाते हैं, एंड सच सॉफ्टवेयर आर टर्म्ड एज कस्टमाइज्ड और टेलर मेड सॉफ्टवेयर। वो सारे सॉफ्टवेयर जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं, बनवा रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उनको हम लोग कहते हैं या तो कस्टमाइज या फिर दीज आर टर्म्ड एज टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जितने भी टेलर मेड सॉफ्टवेयर होते हैं इनका अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरीके से यूज होता है। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल भाई, सपोज करो कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसके थ्रू आर्मी क्या करती है, मिसाइल्स को मैनेज करती है। अब भाई ये जो आर्मी का मिसाइल मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर है किसी शॉप में तो मिल नहीं जाएगा, इट मीन्स आर्मी ने ये ऑर्डर दे के बनवाया होगा अपने लिए। फाइन, इट मीन्स वो जो सॉफ्टवेयर है जो आर्मी यूज़ कर रही है मिसाइल्स को मैनेज करने के लिए, वो एक तरीके का कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट कस्टमाइज होने के साथ साथ वो एक और कैटेगरी में लाइक करता है, दैट इज स्पेसिफिक पर्पस। वो एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर भी है और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी है। कस्टमाइज क्यों है भाई, बिकॉज वो स्पेशली बनवाया गया है एक ही टास्क के लिए और उसको डेवलप कराया गया है, उसमें उन लोगों ने अपने मन के फीचर्स को ऐड कराया है। और स्पेसिफिक पर्पस क्यों है, बिकॉज वो डेली लाइफ में यूज़ नहीं हो सकता है ना, उसको हम और तुम तो यूज़ नहीं करेंगे ना कहीं पर बम फोड़ने के लिए या बम ब्लास्ट करने के लिए, उसको स्पेशली यूज़ करेगी आर्मी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तुम लोगों को मैं होमवर्क देता हूं, एक छोटा सा होमवर्क है बिल्कुल भाई, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन कस्टमाइज्ड एंड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। फाइन, एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, एक तुम लोगों को छोटा सा रिलेशन ढूंढना है कि आखिर रिलेशन क्या होता है कस्टमाइज्ड और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में, एंड देन यू हैव टू राइट दैट इन योर नोटबुक्स और इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। वेल, नाउ लेट्स मूव टू आर टुडेज मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम टर्म्स एंड डेफिनेशंस। वेल, बहुत थोड़ी सी टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं, तो फटाफट से डिस्कस करते हैं, देखते हैं आखिर कौन कौन से टर्म्स हम लोग को डिस्कस करने हैं। वेल, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है। वेल, व्हेन वी वर लर्निंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जब हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्कस कर रहे थे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में आई हैव टॉट यू कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर में वी हैव अ लैंग्वेज प्रोसेसर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक लैंग्वेज प्रोसेसर आती है, लैंग्वेज प्रोसेसर की एक कैटेगरी यहाँ पर आती है। और ये लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करते हैं भाई, हम लोगों के कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, ना ही हिंदी समझ में आती है, ना ही कोई और लैंग्वेज समझ में आती है। उसको भाई सिंपल सी लैंग्वेज आती है, वो है उसकी प्यारी बाइनरी लैंग्वेज। अब ये जो बाइनरी लैंग्वेज है भाई, ये ह्यूमंस को नहीं समझ में आती है। तो अगर ह्यूमंस बाइनरी में कोड करेंगे तो ह्यूमंस के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर ह्यूमंस इंग्लिश में कोड करेंगे तो वो कंप्यूटर के लिए आसान नहीं होगा। तो भाई इस पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक ट्रांसलेशन का, एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम का, और वही ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। वेल, इन जनरल वी हैव टू डिस्कस अबाउट टू लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अभी हम लोग सिर्फ दो के बारे में डिस्कस करेंगे, तीसरा असेंबलर है जिसको तुम लोग अपनी पुरानी वीडियोज में जाकर रिवाइज कर सकते हो। वेल, हियर वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। वेल, लेट मी क्लियर आउट वन थिंग, बोथ ऑफ दीज कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम होता है लो लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में। फाइन, लो लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में हमारे हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करना। मतलब ये क्या करता है भाई, हम लोग जितने भी कोड्स लिखते हैं जो हमारा सोर्स कोड होता है वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश के फॉर्म में, और ये क्या करता है भाई, उस इंग्लिश वाले कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी या फिर लो लेवल लैंग्वेज में, और जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। फाइन, अब चलो स्टार्ट करते हैं भाई, डिफरेंस क्या है आखिर। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी हमारा कंपाइलर होता है भाई, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है। इट मीन्स इट विल स्कैन द होल प्रोग्राम इन वन गो, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करेगा और फिर सारी एरर्स को एक साथ में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। फाइन, देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरप्रेटर जो होता है हम लोगों का भाई, इंटरप्रेटर एक एक करके ये एक स्टेटमेंट को एक बार में ही रीड कर पाता है। सेकेंड पॉइंट नाउ, एज इट स्कैन्स द कोड इन वन गो। वेल, बिकॉज जो हमारा कंपाइलर वो क्या कर रहा है भाई, एक बार में ही हमारे कोड को रीड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ होती है भाई। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है भाई, सारी की सारी एरर्स जो है वो एंड में ही डिस्प्ले होंगी, कोई भी एरर एग्जीक्यूशन के बीच में नहीं आएगी, एग्जीक्यूशन के एंड में ही सारी एरर्स डिस्प्ले यहाँ पर होती हैं। फाइन, देन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम लोगों का इंटरप्रेटर होता है, बिकॉज ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है, ये एक एक लाइन करके रीड करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है भाई, हर एक लाइन के बाद जो भी उस लाइन में एरर होती है वो एरर वहाँ पर हाईलाइट हो जाती है।
वेल बिकॉज हमारा कंपाइलर क्या करता है भाई, सारी एरर्स को लास्ट में दिखाता है, तो यहाँ पर एरर डिबगिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट इंटरप्रेटर के केस में ऐसा नहीं होता है. इंटरप्रेटर के केस में एरर्स को डिबग करना इज अ वेरी सिंपल टास्क, बिकॉज यहाँ पर हर एक लाइन के एंड में एरर्स डिस्प्ले हो रही होती हैं. नाउ लेट्स रीड अवर थर्ड पॉइंट. वेल थर्ड पॉइंट इज कि भाई यहाँ पर जो कंपाइलर का एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो बहुत फास्ट होता है. कंपाइलर बहुत जल्दी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. फाइन. वेराज जो हम लोगों का इंटरप्रेटर होता है, बिकॉज ये लाइन बाय लाइन बहुत एक एक करके रीड कर रहा है, पहले फर्स्ट लाइन को रीड करा, फिर सेकंड लाइन को रीड करा, फिर थर्ड लाइन को रीड करा, फिर फोर्थ लाइन को रीड करा, बिकॉज ये एक एक लाइन को रीड करता है. फिर क्या करा भाई इसने, फर्स्ट लाइन को रीड करने के बाद वहाँ पे एरर निकाली, सेकंड लाइन को रीड करने के बाद वहाँ पे एरर निकाली, थर्ड लाइन को रीड करने के बाद वहाँ पे एरर निकाली. तो भाई बिकॉज ये क्या कर रहा है, एक एक लाइन को एक एक करके रीड कर रहा है, वहाँ पे एरर्स फाइंड आउट कर रहा है. इसलिए यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और ये बहुत स्लो प्रोसेस बन जाती है. देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो हमारा कंपाइलर होता है ये हमेशा प्रेफर होता है बड़े प्रोग्राम्स में जिनको हम लोगों को जल्दी एग्जीक्यूट करना है. वेराज जितने भी छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम मैटर नहीं करता है, फॉर दैट वी कैन यूज दिस इंटरप्रेटर. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दैट इज कि जो कंपाइलर है वो मेमोरी में कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है. फाइन. मतलब क्या हुआ भाई, कि जो हमारा कंपाइलर है ये मेमोरी में कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वेराज इंटरप्रेटर को ज्यादा स्पेस चाहिए होता है. अब आखिर ऐसा क्यों है? वेल देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन. ये जो कंपाइलर है ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड कर रहा है और ये यहाँ पर कहीं भी कभी भी पॉज नहीं लेता है. फाइन. अलॉन्ग विद दैट जब भी पूरा प्रोग्राम इसने एग्जीक्यूट कर लिया, उसके जस्ट बाद ही क्या कर रहा था, सारे एरर्स को शो करा. इट मीन्स इसके पास कम डेटा है स्टोर करने के लिए. फाइन. इसने क्या करा था, प्रोग्राम को एक बार में रीड कर लिया था और सारी एरर्स को एक साथ लास्ट में शो करा. तो इसने क्या करा, डेटा को कम देर तक का कैरी करा और एक साथ चूंकि शो कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर डेटा आइटम्स कम होंगे हम लोगों के पास. बट इंटरप्रेटर के केस में थोड़ा काम अलग होता है. इंटरप्रेटर क्या करता है भाई, हर एक लाइन के बाद प्रोग्राम को पॉज करता है. तो जैसे ही इसने प्रोग्राम को पॉज करा, उस लाइन की एरर्स मेमोरी में जाएंगी, उस लाइन का टाइम स्टैम्प मेमोरी में जाएगा. फिर वो सेकंड लाइन को रीड करेगा तो भाई सेकंड लाइन की एरर्स मेमोरी में जाएंगी, उसका टाइम स्टैम्प जाएगा. और अगर फर्स्ट वाली में कोई एरर नहीं थी तो वहाँ से एक स्टेट जाएगी मेमोरी में कि भाई फर्स्ट वाली लाइन एरर फ्री है. तो सिमिलर प्रोसेस में वर्क करता रहता है. दैट्स व्हाई इट टेक्स मोर टाइम एंड मोर स्पेस. अब बात करते हैं भाई इसके एग्जाम्पल की. तो जो हम लोग की सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, मतलब जितनी भी पुरानी लैंग्वेजेस हम लोग पहले यूज करते थे, वेदर इट्स योर बेसिक ऑल्सो, फाइन, ये जो बेसिक लैंग्वेज थी वो भी, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस यूज करती थी कंपाइलर का. बट इफ वी टॉक अबाउट द न्यू लैंग्वेजेस, वेदर इट इज पाइथन, रूबी, पर्ल, स्नोबॉल और मैटलैब, जितनी भी लैंग्वेजेस यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, ये सब की सब यूज करती हैं इंटरप्रेटर का. अब यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन आता है जावा का. पाइथन में भी सेम इशू है. जावा और पाइथन में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों चीजें होती हैं, बट ये क्या करते हैं भाई, नीड के अकॉर्डिंग दोनों का इस्तेमाल करते हैं. अब आते हैं अपनी नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है. इट इज डिस्क डीफ्रैगमेंटर. मैंने बताया था इससे पहले भी आई थिंक अलर्ट टर्म. ये जो डिस्क डीफ्रैगमेंटर है ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है. इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम. ये एक टाइप का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है. अब इसका काम क्या होता है भाई, सपोज करो मेरे पास एक बहुत बड़ी फाइल थी. सपोज आई हैव अ फाइल ऑफ 100 GB. मेरे पास एक 100 GB की फाइल थी और मुझे उस 100 GB की फाइल को अपनी मेमोरी में स्टोर करना है, ठीक है. लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई कि मेरे कंप्यूटर की जो मेमोरी है, मेरे पास जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में ज़्यादा स्पेस नहीं है. चलो एक छोटा सा यहाँ पर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसके लिए. सपोज करो ये मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है. अब इस हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है. ये प्लेट्स सारी की सारी एक के ऊपर एक स्टैक्ड होती हैं कुछ इस तरीके से. मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ. यहाँ पर एक सेंट्रल बीम होती है, ठीक है, एक सेंट्रल रॉड होती है और ये सारी की सारी प्लेट्स उस सेंट्रल रॉड के ऊपर कुछ इस तरीके से स्टैक्ड होती हैं, ठीक है. अब हर एक प्लेट के बीच में एक रीड राइट क्यू होती है कुछ इस तरीके की. एक रीड राइट यहाँ पर हेड होता है, ठीक है, और ये रीड राइट हेड जा करके एक सर्किट बोर्ड में कनेक्टेड होता है. अब सपोज करो ये जो मेरी हार्ड डिस्क थी, इसका स्टोरेज साइज था, मैंने कहा 250 GB. इस हार्ड डिस्क का स्टोरेज साइज था 250 GB और इस कंप्लीट हार्ड डिस्क के अंदर प्लेट्स कितनी हैं भाई, तो यहाँ पर टोटल 3 प्लेट्स हैं. अब यहाँ पर क्या होगा, मेरी इन तीनों प्लेट्स के बीच में जो मेरा 250 GB है ये डिवाइड हो जाएगा इक्वली, और जब ये डिवाइड होगा तब ये जाएगा अप्रॉक्स 83 GB के आसपास. फाइन. ये क्या होगा भाई, हर एक मेरी प्लेट के पास साइज होगा 83 GB का, ठीक है. ये तो हो गई हम लोग की जनरल सी बात. नाउ लेट सपोज आई हैव अ फाइल ऑफ 100 GB.
सपोज करो मेरे पास एक फाइल थी 100 GB की और मैं इस वाली हार्ड डिस्क का यूज कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, ये एक सिंगल फाइल है और ये सिंगल फाइल एक साथ स्टोर होनी चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है? वेल यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज ये जितनी भी प्लेट्स तुम लोगों को बेटा दिख रही हैं, ये सारी की सारी प्लेट्स सिर्फ और सिर्फ 83 GB को ही स्टोर कर सकती हैं, पूरा 100 GB तो स्टोर नहीं कर पाएगी। तो अब मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर कैसे करेगा इस 100 GB वाले? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिस्क फ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम का या डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं भाई, हम लोगों के डेटा को ब्रेक करके डिस्क में स्टोर करते हैं, उसके साथ ही साथ अपनी मेमोरी में, मतलब अपनी खुद की मेमोरी में कहीं पर नोट कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम का हाफ पार्ट यहाँ पड़ा हुआ है और हाफ पार्ट यहाँ पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या करा भाई, डेटा का हाफ पार्ट इसमें स्टोर कर लिया और हाफ पार्ट इसमें स्टोर कर लिया, और उसके बाद रिकॉर्ड कर लिया कि भाई ठीक है डिस्क नंबर 1 और डिस्क नंबर 2 में इतना इतना प्रोग्राम यहाँ यहाँ पे मैंने स्टोर करा है। जिससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी यूजर प्रोग्राम को रिट्रीव करेगा तो भाई उसको प्रोग्राम टुकड़ों टुकड़ों में नहीं मिलेगा, उसको प्रोग्राम मिलेगा एक सिंगल पीस में एक साथ। समझ में आ गया? वेल अब इसको एक काम करना है, इसको रीड कर लेना, इसमें सिर्फ इतनी सी चीज है। देन आर नेक्स्ट टर्म इज DBMS। अब ये DBMS भाई क्या होता है? DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस क्या होता है भाई, डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस। अब डेटा आता कहां से भाई? इन आवर जनरल लाइफ वी यूज वेरियस एप्लीकेशंस। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, सबके फोन में कॉन्टैक्ट वाली एप्लीकेशन होगी। अभी जो हम लोग के फोन में कॉन्टैक्ट वाली एप्लीकेशन है, इसमें बहुत सारे मोबाइल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नेम्स होते हैं, कभी कभी यहाँ पे कुछ ईमेल आईडीज भी हम लोग स्टोर करते हैं, कुछ कुछ एड्रेसेस भी हम लोग स्टोर करते हैं उसी नेम के अंदर में। अब भाई क्या है, फोन में एक डेटाबेस है, यानी एक वहाँ पे टेबल बनी हुई है जिस टेबल में क्या होता है, हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स जाकर के स्टोर हो जाते हैं। और ये क्या करता है, ये हम लोगों की हेल्प करता है हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स को रिट्रीव करने में, एडिट करने में, मैनेज करने में। इट मीन्स ये जो हमारे फोन की कॉन्टैक्ट्स वाली एप्लीकेशन है, इट इज वर्किंग एज अ डेटाबेस। ये कैसे वर्क कर रही है भाई, ये एज अ डेटाबेस वर्क कर रही यहाँ पर है। सिमिलरली जितने भी हम लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेदर इट इज योर एमएस वर्ड, अगर मैं यहाँ पे एमएस वर्ड की बात करूँ या किसी अदर सॉफ्टवेयर की बात करूँ, या मैं स्कूल के रिजल्ट वाले मैकेनिज्म की बात करूँ जहाँ से तुम लोगों ने अपना ऑनलाइन रिजल्ट चेक करा था फाइनल एग्जाम का लास्ट टाइम, फाइन। तो जितनी भी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस होती हैं, इन सबको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि ये क्या कर सके, डेटा को एक्सेस कर सके, स्टोर कर सके, मॉडिफाई कर सके, और टाइमली डेटा के साथ अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। और इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं DBMS सॉफ्टवेयर का। अब ये DBMS किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो वेल ये DBMS एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड डेटाबेसेस। वेल इफ वी टॉक अबाउट मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड डेटाबेसेस, देन वी हैव MySQL, MySQL सर्वर, MS Access, Oracle, देन ओपन ऑफिस ORG बेस। ये कुछ मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे, विद दिस वी आर फिनिशिंग आवर चैप्टर। अब इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, वेल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया तुम लोगों को कौन कौन सा पेज नोट करना है। जिस भी स्लाइड में ये RW लिखा हुआ है, उस स्लाइड को तुम लोगों को नोट करना है। बट अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो ग्रुप में इसकी PDF मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। फाइन, ईदर यू कैन राइट फ्रॉम दिस वीडियो और यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम द ग्रुप। Well, with this we finish this chapter. In our next class, we will start our next chapter. और तब मैं उसका name और सारी चीज़ों को reveal करूँगा. Till then, stay safe, stay healthy and keep learning. Well, if in case you have any kind of doubt or any query, kindly comment down all your doubts or queries in the comment section of this video. And thank you for watching this video. Over this side, you will find the playlist of class 9. And over this side, you will get the previous video.